12 फरवरी 2022 को कि नई सरकार के गठन होते ही नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही शपथ ग्रहण करेगी, उस भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण के पहले दिन पहले मंत्रिमंडल में हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए एक समान कानून को लागू करने वाली बात करेंगे। और मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने पहले मंत्रिमंडल की बैठक करी, उस मंत्रिमंडल की पहली बैठक में हमने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और इसकी हमने पूरी कार्रवाई कर दी है। इसमें हमारे स्टेक होल्डर्स को हम जोड़ रहे हैं, विधि विशेषज्ञों को ला रहे हैं, ऐसे लोग जो हितधारक है उन सभी को एक उच्च स्तरीय कमेटी के रूप में उसका गठन हम कर रहे हैं और गठन के बाद वो कमेटी हमारी उसका ड्राफ्ट बनाएगी और वो ड्राफ्ट हम उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। और हम केवल उत्तराखंड के अंदर लागू कर रहे हैं, उसके बाद हम पूरे देश के लोगों से, हम अन्य राज्यों से भी, देवभूमि उत्तराखंड के लोग ये अपेक्षा करते हैं कि सबके लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी पंथ का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए।